टाइप से हैं, ठीक है, दोनों का इन्फॉर्मेशन मैं कंप्लीट बता दूंगा। उसके बाद इसको ये इसकी जो वाउंडिंग हुई है, देखो आप इसके ऊपर देख सकते हो नायलॉन वाउंड हुआ है, मतलब नायलॉन की जो लेयर लगी हुई है ना, 80 पैनल्स वाली नायलॉन की लगी हुई है पैनल्स हैं तरीके से, ठीक है। और ये जो है ये एक नायलॉन नहीं है, ये है रबर की रबर वाउंडिंग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो, और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वॉलीबॉल रिव्यू के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपने मेरे हाथ में देख लिया होगा, एक बॉल है मेरे पास कोस्को और दूसरी बॉल है मेरे पास निविया। तो इन दोनों में से आपको कौन सी बॉल परचेज करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ साथ की कंडीशन क्या है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी आपको गेम में यूज़ करनी चाहिए, सब कुछ मैं इन दोनों बॉल का रिव्यू आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइज, अगर आपने हमारा अभी तक जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करो, साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट उसको भी फॉलो करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। तो गाइज, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक करके, जैसे मेरे पास अभी कोस्को है और निविया, तो दोनों का मैं एक एक करके सब कुछ पहले डिफरेंट बताता जाऊंगा क्या है, किस टाइप से हैं, ठीक है। तो दोनों का इन्फॉर्मेशन मैं कंप्लीट बता दूंगा, देन मैं उनके बीच में आपको कौन सा बेस्ट लगता है, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना, और लास्ट में इसका मैं प्रॉपर रिव्यू दूंगा आपको। तो फर्स्ट पे है हमारे, हम लेके आए आपके लिए कोस्को। ये कोस्को सुपर बॉल, ये दोनों जो मेरे पास बॉल हैं इनसे मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इनका खेलने के बाद रिव्यू बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बारे में हमको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। देखो, सबसे पहला कोस्को में ये एक मल्टी कलर वॉलीबॉल है, कैसी मल्टी कलर, इसमें कई कलर हैं। दूसरा, इसमें 18 पैनल हैं, पैनल्स मतलब ये 1, 2 और 3, कितने 80 पैनल्स हैं। उसके बाद इसको, ये इसकी जो वाउंडिंग हुई है, देखो आप इसके ऊपर देख सकते हो नायलॉन वाउंड हुआ है, मतलब नायलॉन की जो लेयर लगी हुई है ना, 80 पैनल्स वाली नायलॉन की लगी हुई है। और इसके अंदर, जैसे कि हम कहते हैं एक एज ग्रुप के बारे में कि यहाँ से यहाँ तक खेल सकते हैं, बट ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं, इससे कोई भी खेल सकता है, जूनियर, सीनियर, या हम जैसे इसको गेम के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी गेम चलते हैं, नेशनल गेम चलते हैं, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसका वेट, आप वॉलीबॉल का जो वेट होता है वो 260 से 280 ग्राम होता है, तो इसका 280 ग्राम में ऑफिशियल वेट है। और साथ के साथ कोई वॉलीबॉल जब तक VFI वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से वेरीफाइड नहीं होती है तो उस बॉल को अप्रूवल नहीं मिलता है किसी गेम के अंदर खेलने, तो ये बॉल VFI भी अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे ग्रिप, जो इसकी हैंड ग्रिप है, वो हैंड ग्रिप इसकी अच्छी है, और जो इसका साइज है वो 4 है, ठीक है। और ये जो है, जैसे आपने सुना होगा कि कोस्को सुपर वॉली बताते हैं कि बहुत बेस्ट है, ठीक है, तो ये वही कोस्को सुपर वॉली है, इसकी ग्रिपिंग अच्छी है। आप इससे जैसे कोई अटैकर अटैक करेगा तो जब हम अटैकिंग करते हैं तो इसकी जो होल्डिंग आता है वो भी इसका अच्छा है, ठीक है। और साइज प्यारा सा है, छोटी सी बॉल है और काफ़ी बढ़िया लगती है, ठीक है, हाथ में पकड़ने के बाद। तो ये हो गया एक तरीके से हमारा कोस्को का। देन अब मैं आपको सेकेंड बॉल है हमारे पास निविया स्पोर्ट, ठीक है, निविया स्पोर्ट, पहली थी कोस्को सुपर वॉली, ठीक है। तो निविया स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके कलर्स की। तो कलर्स, ये भी मल्टी कलर वॉलीबॉल है, इसका साइज जैसे कि कोस्को का ही 4 था तो इसका भी साइज 4 ही है, ठीक है। और इसके जो पैनल्स हैं, देखो इसमें भी आप देख लो, इसके जो पैनल्स हैं टोटल 18 पैनल्स हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है ये एक नायलॉन नहीं है, ये है रबर की रबर वाउंडिंग है, मतलब इसकी रबर, ये रबर में उसका नायलॉन का था, ठीक है, इसीलिए देखो ये खुदरा हुआ पड़ा है, हमने इससे खेल लिया और देखो ये घिस गया, ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि जो नायलॉन होता है वो नायलॉन क्या होता है, छूटता है, बट ये छूटेगा नहीं है, यहाँ से घिसेगा, ठीक है। उसके बाद इसका, ये भी एक VFI बॉल अप्रूव्ड है, मतलब वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला हुआ, बट इसको हम जो नेशनल गेम्स होते हैं उसके अंदर हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसका जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोस्को सुपर वॉली है और जो निविया वाली है, कोस्को वाली का जो शेप, साइज उसका भी 4 है, साइज इसका भी 4 है, बट डिफरेंस क्या है कि उसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है उससे,
वेट की बात करते हैं तो वेट 280 ग्राम जो ऑफिशियल वेट होता है उसका, इसका दोनों का सेम। बट जब हम दोनों बॉल के अंदर एयर फिल करते हैं तो इस वाली बॉल का वेट ज़्यादा लगता है, उस वाली वेट पोस्को वाली जो बॉल है उसका वेट कम लगता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको नेशनल गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो आपको स्पार्टन की बॉल भी दिखेंगी, तो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो स्पार्टन की बात करेंगे, ठीक है। देन हम आ जाते हैं इसका कंट्रोलिंग पे। जब हम इसको स्मैशिंग करते हैं तो इसका भी कंट्रोल अच्छा होता, इसकी कंट्रोल ग्रिप वो भी बढ़िया, क्योंकि ये देखो आप इसके अंदर देखो लेयर बनी हुई है जो अपनी उंगलियों को यहाँ फंसाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रिपिंग है वो फिंगर में अच्छा आता है। तो नीविया के अंदर जो मैंने आपको बताया यही सब है, ठीक है, मतलब ऑल ओवर दोनों में लगभग चीज़ें सेम है, ठीक है। तो अगर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मेरी मेहनत वाली जो स्टोरी मैंने उसको बनाया था वो क्या हो गई थी, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से उसको मैंने डिलीट कर दिया, बट मैंने उसको री एडिट किया है। तो आपने अगर तक उसको नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करें और उसको भी देख लो। साथ ही साथ हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन, आप उसको भी जाओ ज्वाइन करो, बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपको मिलेंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दोनों बॉल का, मैं अपना रिव्यू देता हूँ, ठीक है, कि आपको कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए, वो है प्राइस। ये वाला इसका प्राइस है 11,000 रुपये से 1100 रुपये तक आ जाता है, और ये 1100 से 1250-1300। देखो डिपेंड ये करता है कि आपको कहाँ से ले रहे हो। देखो कभी कभी ऐसा होता है मॉल से लोगे तो आपको महंगी पड़ जाती है, कोई लोकल दुकान से ले रहे हो उसको सस्ती पड़ जाती है, ऑनलाइन कभी ऑफर होता है सस्ती मिल जाती है, ठीक है। बट 1000-1200 तक ये दोनों बॉल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करूँगा अपने रिव्यू के बारे में। मैंने कोस्को से खेला हुआ है, तो कोस्को जो बॉल है वो मुझे साइज में अच्छी लगती है, साथ साथ उसका जो वेट है वो हल्का होता है। जब भी हम कभी डिफेंस करते हैं, पास देते हैं, तो वो ईजिली पास चला जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। नीविया वाले में होता है क्या कि जब तक हम इसके अंदर फोर्स को ऐड ना करें तो वो पास ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये बॉल थोड़ी सी बड़ी हुई है साइज़ में और वेट भी इसका ज़्यादा रहता है। तो मेरे लिए जो बेस्ट है वो मुझे ये बेस्ट लग रही है इनमें। देन लास्ट की, जैसे कि आप, मुझे पता है कि जो ये वीडियो देख रहा होगा वो विलेज से बिलोंग कर रहा होगा, तो विलेज में आपके पास एक आउटडोर कोर्ट होगा, किसका, वही मड का। तो वहाँ इन दोनों बॉल में से आपको कौन सी अच्छी होने वाली है उसका मैं बता दूँ। देखो ये बॉल जो ग्राउंड बिल्कुल मड के क्लियर ग्राउंड है, ठीक है, जो पूरे क्लियर ग्राउंड है, उनके लिए तो ये बेस्ट है वॉलीबॉल पोस्को वाली। बट जिनका ग्राउंड थोड़ा सा बेकार है, मतलब ज़्यादा ही उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मैं ये वाली नीविया की बॉल सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जो यूज़ किया तो ये नीविया वाली बॉल उस वाले ग्राउंड पे ज़्यादा चलती है, और वहाँ पर ये कोस्को वाली बॉल फटने लग जाती है, तो इसका पंचर होने का जो चांसेस होता है ज़्यादा होता है और इसका कम होता है, ठीक है। तो गाँव के लिए मैं इसको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप, वो तो आपकी मर्ज़ी है आपको लेना क्या है, बट मैंने दोनों बॉल का रिव्यू बताया क्योंकि मैं इन दोनों से खेला हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही और भी किसी और बॉल के भी रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, ठीक है, इस बॉल का चाहिए, ऐसे चाहिए, तो आप कमेंट करो, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस जो भी मैंने आपको रिव्यू बताया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा, आपने अभी तक एक नया चैनल मैंने ओपन किया AV स्पोर्ट्स के नाम से, तो उसको भी जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, उसको भी जाओ फॉलो करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा साइज का हो गया, अब हम बात करते हैं, हो गया वैसे मुझे लगभग। देन